मेरा नाम डॉक्टर उमेश आर्य है और मैं गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में प्राध्यापक हूँ। आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो वीडियो हमारे रिसर्च वर्क में जो हम लोग लास्ट में संदर्भ यानी रेफरेंसेस लिखते हैं ये वीडियो उससे संबंधित है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा शोध कार्य उच्च कोटि का होते हुए भी उसको इंटरनेशनल लेवल पे सम्मान नहीं मिल पाता, उसका काफ़ी कुछ हद तक जिम्मेवारी हमारे रिसर्च वर्क का फॉर्मेट और रेफरेंसेस को भी जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल आपके आर्टिकल को चाहते हैं उस तरीके से हम उनको नहीं दे पाते, जबकि हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो आज हम रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखा जाए और किस तरह से उसके रेफरेंसेस होने चाहिए, हम उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए नेट पर जाएंगे और हम एक वेबसाइट खोलेंगे apastyle.org। देखिए, जितनी भी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उसमें हमें अपने मीडिया रिसर्च या और भी कोई सोशल साइंस की रिसर्च हो उसमें हमें रेफरेंस लिखने के लिए कोई ना कोई स्टाइल फॉलो करना पड़ता है। स्टाइल दो तीन तरह के हैं। APA स्टाइल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। दूसरा शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल भी है। तीसरा MLA भी है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। लेकिन हमारे मीडिया फील्ड में और सोशल साइंसेज के फील्ड में ज़्यादातर APA स्टाइल ही यूज़ होता है और ये बहुत आसान भी है। आप देखेंगे कि जो रिसर्च पब्लिकेशन हम आजकल लिखते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सेप्ट नहीं होते, तो उसका बहुत हद तक कारण उनका रेफरेंसेस का ठीक से ना लिखा जाना भी है। तो आज हम इस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम APA स्टाइल की बात करते हैं। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरी बुक है APA स्टाइल की। इसमें आपको इस स्टाइल से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। तो हम धीरे धीरे इसके बारे में जानना शुरू करते हैं और लर्निंग APA स्टाइल पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये हमें APA स्टाइल के बारे में और ज़्यादा जानकारी देना शुरू कर देगा। फ्री ट्यूटोरियल्स पे बेसिक्स ऑफ APA स्टाइल को क्लिक करें। APA स्टाइल न केवल रेफरेंस लिखने का स्टाइल है बल्कि पूरे रिसर्च पब्लिकेशन को कैसे लिखा जाए, किन पॉइंट्स में लिखा जाए, किन फ़ॉन्ट्स में लिखा जाए, बोल्ड लिखा जाए या इटैलिक्स लिखा जाए, ये सब चीज़ों का ख्याल रख के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पेपर बना देता है। तो बेसिक्स ऑफ APA स्टाइल, व्यू द ट्यूटोरियल, हम ट्यूटोरियल को देखते हैं। इस वेबसाइट पर जाने पर आपको वीडियो के फॉर्म में APA स्टाइल के बारे में थोड़ा बताया जाएगा। बिगिन द ट्यूटोरियल, क्लिक इंट्रोडक्शन, APA स्टाइल इज़ यूज फॉर टर्म पेपर्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, एम्पेरिकल, ये सब आपको बताएगा। साइड बार में अगर आप देखें तो ये जितने भी वीडियो हैं उसके बारे में एक लिस्ट मिलेगी, तो हम तीसरी लिस्ट पे भी क्लिक करके इसको देख सकते हैं। थर्ड लिस्ट इज अबाउट मैनुस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर, यानी आपकी जो रिसर्च आर्टिकल या जो भी आपका रिसर्च पब्लिकेशन है उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और वो मैन्यूस्क्रिप्ट टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन, रेफरेंसेस एंड अपेंडाइसेस, ये एक फॉर्मेट है APA स्टाइल का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉलो किया जाता है। तो अगर आप टाइटल पेज की बात करेंगे तो टाइटल पेज आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा, रनिंग हेड इफेक्ट्स ऑफ एज ऑन डिटेक्शन ऑफ इमोशंस। ये देखिए, इस तरह में आपका टाइटल आएगा और इस तरह से आपकी एफिलिएशन, ऑथर का नाम बिल्कुल इसी फॉर्म में आएगा।
अगर आप एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट इस फॉर्म में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखा और साइड में देखिए ये जस्टिफाइड नहीं है, ये टेक्स्ट एक लाइन में नहीं लगा हुआ, तो ये एक स्टाइल है जो एपीए स्टाइल में एब्स्ट्रैक्ट लिखने का स्टाइल माना जाता है। अगर आप इंट्रोडक्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ बता देगा कि इंट्रोडक्शन एपी स्टाइल में कैसे लिखा जाता है। हर एक पहरा देखिए, कुछ पहरे के बाद इंडेंट है यहाँ पे, ऐसे ही रिजल्ट्स, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंसेस, अपेंडिसेस, तो ये आपको धीरे धीरे एपीए स्टाइल में एक अच्छा रिसर्च पब्लिकेशन कैसे लिखा जाए वो आपको ये बता सकते हैं। और अगर आप गूगल पर जाएं और वहाँ पे एपीए स्टाइल शीट या एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग अगर आप देखें तो आपको एपीए स्टाइल विकिपीडिया, इसी लिंक को खोल लेते हैं, विकिपीडिया आपको जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक एनसाइक्लोपीडिया है। इस एनसाइक्लोपीडिया में आपको एपीए स्टाइल में विभिन्न प्रकार के रेफरेंसेस मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर एक बुक से अगर आप कोई सामग्री उठाते हैं तो उसमें उसको आप एपीए स्टाइल में कैसे लिखेंगे वो आपको बताया जाएगा। अगर आप किसी रिसर्च पब्लिकेशन से, रिसर्च जर्नल से कोई आर्टिकल से कुछ संदर्भ लेते हैं तो उसको एपी स्टाइल में कैसे लिखेंगे तो वो भी आपको ये विकिपीडिया बताएगा। अगर आप किसी बुक से भी कोई मटेरियल उठाते हैं तो उसमें भी आपको कैसे एपी स्टाइल में लिखना है वो भी आपको ये गाइड करेगा। ये एपी स्टाइल के बारे में पूरा है, इसको आप पढ़ लें। जैसे देखिए, अगर एक ऑथर, एक लेखक की बुक का आपने संदर्भ देना है तो वो इस तरीके से दिया जाएगा। अगर दो लेखकों की बुक है तो वो इसी तरीके से दिया जाएगा। अगर आपका चैप्टर किसी एडिटेड बुक में है जो कि संपादित बुक है तो उसका ऐसे दिया जाएगा। अगर पीएचडी और मास्टर्स की डिसर्टेशन है तो उसका ऐसे दिया जाएगा। आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, इसमें हर एक स्रोत का एक स्टाइल दिया हुआ है और जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं इस दुनिया में जहाँ से आप संदर्भ उठा सकते हैं तो ये उसका आपको ईपी स्टाइल में लिखना आपको बता देगा। आर्टिकल इन्हें वीकली मैगजीन में आर्टिकल में ऐसे आप उसको साइटेशन देंगे, तो ये सारा आप अच्छे से एक बार इसको अगर पढ़ लेंगे तो हमें इसमें आगे एपी स्टाइल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस एपी स्टाइल में इतने सारे रिसोर्सेज का ध्यान कैसे रखा जाए, तो उसका तरीका बहुत आसान है। हम एक वेबसाइट पर जाएं, source aid.net, और जैसे भी आज source.net को क्लिक करेंगे तो एपीए स्टाइल यहाँ से क्लिक कर लें और साइटेशन बिल्डर स्टार्ट करें। और यहाँ एपीए स्टाइल में बुक में रेफरेंस अगर डालना है तो कैसे डालेंगे, तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना डाटा भरना शुरू हो जाएं और बाद में नेक्स्ट क्लिक कर लें और आपका ऑनलाइन साइटेशन तैयार हो जाएगी। इसके लिए आप मेरी दूसरी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो एपीए के बारे में था। एक दूसरा, हम शिकागो मैनुअल स्टाइल भी काफ़ी यूज़ करते हैं। शिकागो मैनुअल स्टाइल में कुछ खास बात है वो आप देख लीजिए। शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए पहला ही लिंक आपको मिलेगा, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल .org। इस पर आप चले जाएं और एक क्विक गाइड पे क्लिक करें। शिकागो मैनुअल आपको विकिपीडिया की तरह एक क्विक गाइड के थ्रू आपको समझा देता है
कि एक बुक का अगर एक ऑथर है उसका रेफरेंस ऐसे लिखना है, दो ऑथर हैं तो उसका रेफरेंस ऐसे आएगा, और कोई एडिटर है या ट्रांसलेटर है तो उसका ऐसे आएगा, किसी बुक में चैप्टर है तो उसका ऐसे, हर एक पॉसिबल जो स्रोत हो सकता है वो इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। ऑनलाइन जर्नल में है तो कैसे लिखा जाएगा, प्रिंट जर्नल में है तो कैसे लिखा जाएगा, वो सब आपको ये बताता है। न्यूज़पेपर में भी है, बुक रिव्यू में भी है, थीसिस, डिसर्टेशन पेपर किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया है तो उसमें है, वेबसाइट का सब आपको देगा। तो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आप अपने मीडिया रिसर्च में या किसी भी सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ की रिसर्च के लिए या तो APA स्टाइल फॉलो करें या CMS फॉलो करें, कभी भी दो स्टाइल्स को मिक्स ना करें। मिक्स करने से आपके रिसर्च पब्लिकेशन पे कुछ सवाल उठ सकते हैं, और अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही हो तो आप source8.net पे जाके अपना डाटा एंटर करें तो वो आपको आउटपुट स्टाइल में सारे रेफरेंसेस अपने आप उसमें बना के दे देगा। शिकागो मैनुअल स्टाइल मैगजीन आर्टिकल क्लिक करें और फिर नीचे यहाँ पे इसमें अपना डाटा भर लें और नेक्स्ट 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 करते जाएं और आपका रेफरेंस तैयार। तो दोस्तों, ये आपका शिकागो मैनुअल स्टाइल का रेफरेंस हुआ। APA स्टाइल यूज़ करें या शिकागो मैनुअल स्टाइल यूज़ करें, दोनों ही तरह से बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपके रेफरेंसेस की वजह से जो आपके रिसर्च वर्क को मान्यता नहीं मिल पाती थी, अभी आप अपना रिसर्च वर्क इंटरनेशनल जर्नल्स में भी छपवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया।